सूत्र बोलिए पूरा, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। वास्तविकता कुछ नहीं है इसमें, कल्पना ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी व्यवहार का साधन बनती है। प्रकृति आदि विभाग कल्पना से और सामान्य विशेषवता लक्षणेन, जो भी पद हैं, जितने भी हमारे लक्ष्यात्मक पद है ना, लक्ष्य लक्षण यो व्याकरणम, व्याकरण का स्वरूप क्या है, लक्ष्य और लक्षण। लक्षण माने सूत्र और लक्ष्य माने उन सूत्रों से सिद्ध होने वाले जो शब्द हैं, यही व्याकरण का पूरा स्वरूप है। आगे आप भाष्य में वार्तिक पढ़ेंगे, लक्ष्य लक्षण यो व्याकरणम। तो लक्षण कैसा बनाएंगे, एक तो ये कहा, तो कहा कि लक्षण हम दो प्रकार के बनाएंगे, सामान्य विशेषवता लक्षणेन। सामान्य का मतलब उत्सर्ग सूत्र बनाएंगे हम, जैसे कि बना दिया कर्मण्यण, है ना, और फिर क्या बनाएंगे, विशेष सूत्र बनाएंगे, उसके अपवाद सूत्र, जैसे कि आतन उपसर्गे कहादि। ठीक, पता चला, सामान्य विशेषवता लक्षणेन माने सामान्य लक्षणों के द्वारा अनुशासन करेंगे हम और विशेष लक्षणों के द्वारा अनुशासन करेंगे, सामान्य विशेषवता लक्षणेन। ये तो लक्षण के बारे में हुआ। लक्ष्यों में क्या करोगे फिर, तो कहा कि लक्ष्यों को हम प्रकृति आदि विभाग कल्पना कर देंगे, उसमें क्या उपसर्ग है, क्या प्रत्यय है, क्या प्रकृति है, ये सारा विभक्त करके उन लक्ष्यों को समझेंगे। ठीक है, इसी के बारे में अब न्यासकार और पद्मंजरीकार को देखते हैं। देखिए, यहां तक हो गया था, वैदिकास्तु नियतानुपूर्विका शन्नो देवी रभिष्टय इत्येवम आदयः, इतना पढ़ चुके हैं ना हम। आगे देखें, इह ही अन्वाख्याने प्रतिपद पाठोभ्युपपेयः। अब कहा कि अब चर्चा ये हो रही है, क्योंकि प्रश्न दूसरा ये है ना काशिकाकार का कि कथम अनुशासनम, शब्दों का अनुशासन कैसे करें, माने शब्दों के अनुशासन करने का उपाय क्या है, तरीका क्या है, साधन क्या है हमारे पास। तो उसी पे चर्चा हो रही है कि इह ही अन्वाख्याने प्रतिपद पाठोभ्युपेयः, कि हम अनवाख्यान करना चाहते हैं, अनुशासन का ही अनवाख्यान का ये एक ही बात है, हम अनवाख्यान करना चाहते हैं, तो उस अनवाख्यान के विषय में क्या तरीका अपनाने योग्य है, प्रतिपद पाठ, एक एक पद का पाठ करके हम बताएं कि ये साधु है, ये साधु है, ऐसा करें। प्रतिपद पाठ माने एक एक पद का पाठ, जैसे हम बोलते हैं ना प्रतिदिनम, तो दिनम दिनम प्रति, ठीक है, माने हर दिन, ऐसे ही प्रतिपद माने पदम पदम प्रति प्रतिपदम, तस्य पाठः प्रतिपद पाठः माने हरेक पद का, प्रत्येक पद का पाठ। अभ्युपेयः, अभ्युपेयः माने अपनाने योग्य साधन है, स्वीकरणीय है। ठीक है, अन्वाख्यान में क्या उपाय स्वीकरणीय है, तो कहा इह ही अन्वाख्याने प्रतिपद पाठो अभ्युपेयः, यहाँ शब्दों के अन्वाख्यान में प्रत्येक पद का अलग अलग पाठ करना ही उपाय है, साधन है, अभ्युपेयः अपनाने योग्य साधन है। अब कहा प्रतिपद पाठ कैसे कर सकते हैं, तो न्यासकार कहते हैं तस्यापि त्रयः प्रकारः, उसके भी तीन तरीके हो सकते हैं, शब्दाप शब्दो उभयोपदेशेन। पहला तरीका कि जो शब्द है माने साधु शब्द जो है उनका पाठ कर दो, उनका उपदेश कर दो, सारे के सारे दुनिया भर के जितने भी साधु शब्द हैं, जो पीछे जैसे गिनाए थे इतने सारे शास्त्र हैं उनमें साधु शब्द हैं, उन सबको एक एक शब्द बताओ कि ये साधु ये साधु ये साधु ये साधु, सारा पाठ करो, राम साधु राम साधु राम साधु, एक एक शब्द के जितने जितने भी रूप चलते हैं, है ना, और फिर एक एक अकेली अकेली धातु के ही करोड़ों रूप बन सकते हैं, एक धातु के ही, किसी दिन आपको बताएंगे एक धातु के कैसे जो है वो करोड़ों करोड़ों रूप बन सकते हैं। तो ये एक तरीका रखा सबसे पहला कि क्या करो, शब्द साधु शब्दों का उपदेश कर दो। फिर दूसरा तरीका बताया कि या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि असाधु शब्दों का उपदेश कर दो। अब शब्दों को बता दो गिन करके कि ये असाधु शब्द हैं, जैसे नेति नेति होता है ना कि ये असाधु, तो उनसे जो बच जाएगा वो साधु। ठीक है, दूसरा तरीका क्या बताया, अब शब्दों का उपदेश कर दो। तीसरा तरीका बताया या फिर दोनों का ही उपदेश कर दो, बताओ कि राम साधु है ना, रामस्सु बोल दिया तो वो
असाधु है, ऐसे दोनों को बताओ अलग-अलग। अब ये तीन तरीके कहा, पहले सबसे पहले क्या बताया गया है कि अनुवाख्यान करना चाहते हो तो प्रतिपद पाठ करो, और प्रतिपद पाठ तीन तरीके से हो सकता है। एक-एक शब्द का पाठ, या तो साधु शब्दों का उपदेश कर दें, या तो असाधु शब्दों का उपदेश कर दें, या तो दोनों का ही उपदेश करें। अब देखिए ये तीनों संभव है कि नहीं, उसके लिए कहते हैं, आगे चर्चा कर रहे हैं। आनंत्याच्य शब्दानां स सर्वथापि असंभवः। अब ये तीनों ही तरीकों के लिए बोल दिया कि चाहे हम साधु शब्दों का उपदेश करना चाहें, या फिर असाधु शब्दों का उपदेश करना चाहें, या दोनों का ही करना चाहें, तीनों में से एक भी हमारे लिए शक्य नहीं है। हेतु क्या है? आनंत्याच्य शब्दानां, शब्द अनंत है। साधु शब्द भी देखने जाएंगे ना तो अनंत है शब्द, साधु शब्द भी कैसे उपदेश करोगे आप? और जब साधु शब्द ही अनंत कह रहे हैं तो एक एक साधु शब्द के कई कई जो है वो अपशब्द हो सकते हैं। कितनी कितनी प्रकार के, स्वर की दृष्टि से, वर्ण मात्रा अक्षर की दृष्टि से, कितने कितने असाधु शब्द हो सकते हैं। कहाँ तक आप असाधु शब्दों का उपदेश करेंगे? ना हम केवल साधु शब्दों का उपदेश कर सकते हैं पूर्णतः, और असाधुओं का तो बिल्कुल ही करना शक्य नहीं है, और दोनों का करना चाहे तो वो भी नहीं किया जा सकता। इन तीनों में से सबसे सरल तो पहले वाला ही ऑप्शन है, साधु का कर दें, वो भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए एक आख्यान देते हैं आगे। देखिए, एवं ही श्रूयते, कि ऐसा सुना जाता है स्मृति ग्रंथों में, यह चर्चा आती है कि बृहस्पति ही, ये आख्यान आता है, बृहस्पति ही किलेन्द्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपद विहितानां पारायणं प्रोवाच न चांतं जगामयति। ये तो एक ही पंक्ति में इन्होंने कर दिया। बृहस्पतिश्च आचार्यः, इंद्रश्च अध्येता, दिव्यं वर्ष सहस्रम अध्ययन कालः, पुनरपि नान्तर्जगामः। किं पुनः, ये मैं अलग से बोल रही हूँ, भाष्य की पंक्तियां लगभग ऐसे भाव वाली, यहाँ तो एक ही पंक्ति लिखी है ना। देखिए क्या लिखा है, बृहस्पति ही किलिंद्राय दिव्यं वर्ष सहस्रम। बृहस्पति ने इंद्र के लिए 1,000 वर्षों तक, और वो हमारे मनुष्यों के 1,000 वर्ष नहीं, देवताओं के 1,000 वर्ष तक। देवताओं का दिन रात पता है आपको कितना होता है? हमारे 6 महीने का उनका 1 दिन होता है। हमारे जैसे वर्ष में 2 होते हैं ना, उत्तरायण और दक्षिणायन, तो ये मिलकर के उनका जो है वो 1 दिन 1 रात बनता है। हमारा 1 वर्ष बराबर उनका 1 दिन 1 रात, ठीक है? अब इस गणना से लगाइए, दिव्य वर्ष सहस्रम, ठीक। बृहस्पति ही किल इंद्राय कितने हो जाएंगे? हमारा 1 वर्ष उनका 1 दिन बन गया है ना, हमारा 1 वर्ष उनका 1 दिन बन गया, तो उनका 1 वर्ष कितना होगा? गणना करके लेके आना कल, ठीक है? तो बृहस्पति ही किल इंद्राय, बृहस्पति देवताओं के गुरु है ना, और इंद्र जो है वो देवताओं के राजा हैं। तो बृहस्पति जी इंद्र को पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने 1,000 दिव्य वर्षों तक पढ़ाया। कैसे पढ़ाया? कहते हैं प्रतिपद विहितानां पारायणं प्रोवाच। प्रतिपद जो साधु शब्द है ना, उनका पारायण कराते गए, बताते गए कि ये शब्द साधु है, ये शब्द साधु है, ये शब्द साधु है, ऐसा बताते गए। प्रतिपद विहित शब्दों का जो पारायण है, ग्रंथ है, उसको प्रोवाच, प्रवचन किया। जैसे हम ऐसे ही कुछ समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास अभी गणपाठ होता है ना, वैसे ही उनके पास एक खूब लंबा चौड़ा शास्त्र होगा जिसमें साधु शब्द लाइन से दिए होंगे, तो उनको पढ़ाते गए कि ये साधु है, ये साधु है, ये साधु है, न च अंतम जगाम, ठीक है? लेकिन फिर भी अंत नहीं हो पाया प्रतिपद विहित शब्दों का, केवल पारायण ही करा रहे थे, फिर भी अंत नहीं हो पाया। केवल इतना बता रहे थे, ये साधु है, ये साधु है, ये साधु है, फिर भी अंत नहीं हो पाया। तो वहां पे महाभाष्यकार और लिखते हैं कि देखो, चलो ये भी बता ही रहे हैं भाव, तो देखिए, तद ईदृशे वक्त्री। तो फिर जब ऐसे वक्ता हैं, कोई साधारण वक्ता नहीं है, आचार्य भी परम उच्च कोटि के हैं, बृहस्पति जी खुद, और अध्येतरी, अध्येता भी सामान्य मनुष्य नहीं है, इंद्र जैसे
पद पर अधिष्ठित देवराज इंद्र यहाँ पर अध्येता हैं, और अध्ययन कालेच और ऐसा विचित्र अध्ययन काल है, दिव्य वर्ष सहस्र तद ईदृशे वक्त्री अध्येत्री अध्ययन कालेच, तो इस प्रकार के वक्ता अध्येता और अध्ययन काल के होने पर भी नांतागमनम अभूद्यस्य, जिसका अंत ही नहीं पाया गया, ठीक है, जिसका अंत ही नहीं आया, किसका, साधु शब्दों के प्रतिपद पाठ का अंत ही नहीं आया ना, तो कहते हैं कि तस्य कुतो अद्यत्ते भविष्यति स्वल्पायुषी प्रजायाम। तो अगर हम प्रतिपद शब्दों को अभी पढ़ाने लग जाए मनुष्यों को, उस प्रतिपद पाठ का तो कभी भी अंत ही नहीं आएगा। कुतो अद्यत्ते भविष्यति स्वल्पायुषी प्रजायाम, आजकल जो थोड़ी सी आयु वाली 60-70-80-100 वर्ष की आयु वाली प्रजा है, वो कहाँ से ही प्रतिपद पाठ को पूरा सुन सकती है, सुन भी नहीं सकती, उसी में पूरी आयु चली जाएगी। और जब इसको ही नहीं सुन सकती तो आप समझ लीजिए कि अब शब्दों का पाठ या दोनों का पाठ वो तो सर्वथा असंभव है। तो इसलिए तीनों को असंभव उपाय बता दिया, अपशब्द उपदेश और उभय उपदेश, ये तीनों ही शब्दों के अनंत्य होने से असंभव हैं। तो इस तरह से तो हम शब्दों को नहीं सीख सकते, सिखा सकते प्रतिपद पाठ करके, ठीक है। तो फिर क्या करें, तो कहा आगे देखे, न चा अन्यो अभ्युपायो अस्ति, और भी कोई अभ्युपाय इस संदर्भ में है नहीं, शब्दों के अनुवाख्यान के संदर्भ में अन्य भी कोई अभ्युपाय नहीं है। इति मन्य माना, ऐसा मानते हुए, ऐसा स्वीकार करते हुए, ऐसा मानते हुए अपने मन में ऐसी बात स्वीकार करते हुए ये जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है, कथम अनुशासनम, ठीक है जी, ये कथम अनुशासन की भूमिका है। जो व्यक्ति कथम अनुशासन प्रश्न पूछ रहा है वो क्या सोच रहा है अपने मन में, उसके मन में ये बात है कि देखो शब्दों को हम तीन ही तरीके से तो सीख सकते हैं, या तो हम साधु शब्दों को पढ़ते जाएं, या तो असाधु शब्दों को पढ़ते जाएं, या तो हम दोनों को सीखें, इसी तरह से सीख सकते हैं, और इन तीनों में से तो हमारे लिए कोई भी शक्य नहीं है, क्योंकि हमारी आयु बहुत अल्प सी है और इन शब्दों का तो अनंत्य है, तो इन अनंत शब्दों को हम अपनी छोटी सी आयु में ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे। फिर उनके आधार से अभी पीछे कहा था प्रदीप सर्व विद्यानाम, व्याकरण क्या है, अन्य विद्याओं का प्रदीप है, तो अन्य विद्याएं तो कहां से आने का अवसर ही नहीं रहेगा, है ना। यही पूरा नहीं होगा, शब्दानुवाख्यान ही हम पूरा नहीं जान पाएंगे, तो अन्य शास्त्रों को तो अवसर ही नहीं मिलेगा फिर। तो उसको ऐसे लग रहा है जिज्ञासु को कि कोई भी शब्दों को सीखने का, पूर्णता से शब्दों को जानने का कोई तरीका है ही नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए उसने पूछा कथम अनुशासनम, कैसे करें अनुशासन, आप कह रहे हैं कि हम शब्दों का अनुशासन करेंगे तो कैसे करेंगे, समझ नहीं आ रहा हमें। तो उसको उत्तर दिया, देखिए कथम अनुशासनम पे ही लिख रहे हैं, कथम अनुशासनम पूछने वाले व्यक्ति का अभिप्राय है न केनचित प्रकारेण शब्दानाम व्याकरणम अनुशासनम इत्यर्थ, अनुशासन कैसे करोगे, अनुशासन किसी भी प्रकार से किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। उसके पीछे मन में भाव क्या है, वो सोच रहा है जिज्ञासु व्यक्ति, शब्दों के अनुशासन में तीन ही तो उपाय हो सकते हैं और वो तीनों ही संभव नहीं है, इसलिए कैसे अनुशासन करेंगे आप, शब्दों का अनुशासन तो संभव ही नहीं है। न केनचित प्रकारेण शब्दानाम व्याकरणम अनुशासनम इत्यर्थ, अर्थात किसी भी प्रकार से शब्दों का अनुशासन तो आप कर ही नहीं सकते। अथवा या फिर दूसरा भी तरीका है, दूसरा भी यहाँ पे अभिप्राय हो सकता है, अथवा भाव साधनो अत्र अनुशासन शब्द, या फिर यहाँ पर भाव साधन अनुशासन शब्द है, अनुशिष्टिर अनुशासनम संस्कार न कथंचित शब्दानाम संस्कार संभवतीति यावत, शब्दों का संस्कार किसी भी प्रकार से कर नहीं सकते। जिज्ञासु की ओर से ये प्रश्न आ गया तो अब उत्तर आएगा, अब उत्तर दे रहे हैं आचार्य, येन अल्पेनैव प्रयत्नेन महतः शब्दौघान् प्रतिपद्येत तद् उपायान्तरं दर्शयितुम् आह, येन जिससे अल्पेनैव प्रयत्नेन अल्प प्रयत्न से ही महतः शब्दौघान् प्रतिपद्येत, प्रतिपद्येत महतः शब्दौघान् माने बड़ी बड़ी शब्द राशियों को भी, ठीक है, औघ माने राशि, बड़ी बड़ी शब्द राशियों को भी ये व्यक्ति प्रतिपद्येत जान जाए तद उपायांतरम दर्शयितुम आह,
अब देखो आज मतलब जो है यहाँ पर वृद्धि राधे एक सूत्र बना दिया, या जो है वो अत उपधाया एक सूत्र बना दिया। अब उससे आप कितने ही शब्द बना सकते हैं, भागह त्याग आदि कितने ही एक ही सूत्र से शब्द बन जाएंगे, है ना। तो ये सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण वाला जो तरीका है वो ऐसा तरीका है कि जिससे हम बहुत छोटे से उपाय से बहुत बड़ी बड़ी शब्द राशियों को ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसी को कहा ये न अल्पे नैव प्रयत्ने न महतः शब्दोघान प्रतिपद्येत। जिस छोटे से ही प्रयास के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी शब्द राशियों को भी ये अध्येता जान सकता है, तद उपायांतरम दर्शयितुम आह। उस भिन्न उपाय को दिखाने के लिए आचार्य कहते हैं प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया सामान्य विशेषवता लक्षणेन। पहला शब्द है इस पंक्ति में प्रकृति, तो उसका अर्थ बता देते हैं। प्रत्ययात प्रथमम क्रियते इति प्रकृति ही। प्र का अर्थ प्रथम ले लिया यहाँ पे, और कृति माने तो करना होता ही है। जो प्रत्यय से प्रथम की जाती है इसलिए उसको क्या कहा, प्रकृति ही। प्रत्ययात प्रथमम क्रियते इति प्रकृति। बहुत सारे भाव होते हैं एक शब्द के, तो आचार्य ने न्यासकार ने एक भाव यहाँ प्रस्तुत किया है, प्रकृति माने प्रत्ययात प्रथमम क्रियते इति प्रकृति ही। और प्रकृति आदि ये शाम ते प्रकृत्यादयः बहुव्रीहि समास हो गया। अब आदि शब्द से क्या लेना है, तो कहते हैं आदि शब्द प्रत्यादि नाम परिग्रहाय। आदि शब्द यहाँ प्रत्यय आदियों को ग्रहण करने के लिए है। प्रत्यय में फिर आदि लगा दिया तो वहां पे उपसर्ग, कोई आगम, कोई लोप, वर्ण, विकार आदि जो भी हैं उन सब के ग्रहण के लिए। आदि शब्द प्रत्यादि नाम परिग्रहाय, उपसर्ग है, विकरण है, आगम है, ये सब गृहित हो जाएंगे। तेषां विभागो प्रकृति आदि, ये शब्द स्पष्ट हो गया। प्रकृति है आदि में जिनके, वो प्रकृति आदि माने प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, विकरण, ये सब। और फिर आगे अग्रिम शब्द है विभाग, तो विभाग कहा। तेषां विभागो असंकीर्ण रूपता, उनका विभाग, विभाग माने अलग अलग स्वरूप, असंकीर्ण रूपता। संकीर्ण रूपता होती कि मिला जुला दिया सब, और उसको हम जैसे पठती तो मिला जुला रूप है। अब जब इसको आप अलग अलग करोगे पठ शप तो ये क्या है, असंकीर्ण रूपता है, ठीक है। तेषां विभागः अर्थात असंकीर्ण रूपता। उस असंकीर्ण रूपता का क्या करें, तस्य कल्पना। ये शब्द का व्याख्यान हो रहा है प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया। समास का नाम बोल दीजिए अब जरा, बहुव्रीहि गर्भ षष्ठी गर्भ षष्ठी तत्पुरुषः। दो बार षष्ठी षष्ठी हुआ ना, देखिए तीन समास हो चुके हैं। प्रकृति आदि येषां ते प्रकृत्यादयः, ठीक है। प्रकृति आदि नाम विभागः प्रकृत्यादि विभागः। प्रकृत्यादि विभागस्य कल्पना प्रकृत्यादि विभाग कल्पना, तया प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया, बहुव्रीहि गर्भ षष्ठी तत्पुरुषः, ठीक हुआ। तो तस्य कल्पना, कल्पना क्या है, तो कहा परिकल्पिकया बुद्ध्या परिकल्पनम्। हमारी जो कल्पना सामर्थ्य से युक्त बुद्धि है उसके द्वारा परिकल्पन करना ही कल्पना है। उससे क्या होता है कल्पना से, तो कहा तया परिकल्पनया शब्दानाम अनुशासनम व्याकरणम अनुशिष्टिर्वा। उस परिकल्पना से शब्दों का अनुशासन होगा, व्याकरण शास्त्र का प्रणयन होगा, अनुशिष्टि होगी। कहते हैं हेतु इयम तृतीया, ये जो कल्पनया तृतीया दिख रही है ना, इसको हेतु अर्थ में तृतीया बता रहे हैं न्यासकार। क्यों, कि उसी हेतु से अनुशासन हो सकता है, उसी कारण से हो सकता है, वो ना हो तो संभव नहीं है। ये कारण बन रहा है ना, ये कारण बन रहा है किसमें, व्याकरण शास्त्र में, व्याकरण करने में, शब्दों का अनुवाख्यान करने में। बिना इसके व्याकरण करना संभव नहीं है, इसलिए कह रहे हैं हेतो यम तृतीया न ही तया विना व्याकरणम अनुशासनम भवति। उसके बिना व्याकरण अनुशासन हो नहीं सकता, नापि तेन विना अनुशिष्टि शब्दानाम कर शक्यते कर्तुम, और ना ही उसके बिना शब्दों की अनुशिष्टि की जा सकती है। परिकल्पनया इत्यनेन एतत् प्रतिपादयति। परिकल्पनया इत्यनेन एतत् प्रतिपादयति। परिकल्पनया कह करके ये कहना चाहते हैं कि कल्पना मात्रम प्रकृत्यादि विभाग। यहाँ पे कल्पना शब्द आया है ना, और उसी का अर्थ इन्होंने परिकल्पनम किया है, तो
परिकल्पना से क्या कहना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि कल्पना मात्रम प्रकृति आदि विभाग, ये जो हम शब्दों में विभाग कर देते हैं कि ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है आदि आदि, ये केवल कल्पना मात्र है। परमार्थ वस्तु प्रत्यस्तमित प्रकृत्यादि विभागः समुदाय एव कस्यचिद् अर्थस्य वाचकः। परमार्थ वस्तु या परमार्थ तस्तु, ये भी दोनों पाठ मिलते हैं कि परमार्थ वस्तु तो क्या है, माने अंतिम वस्तु तत्व तो ये है शब्दों के संदर्भ में, कि प्रत्यस्तमित, प्रत्यस्तमित का मतलब होता है जहां पर तिरोहित हो गए हैं सारे प्रकृत्यादि विभाग। रामः बोल रहे हैं हम, है ना, रामः बोल रहे हैं, तो वहां पे रमु घए सु ये सब थोड़े दिखते हैं। ये सारे विभाग जो असंकीर्ण रूपता है वो जहां पे हट गई है, सारे विभाग तिरोहित हो करके जो समुदाय रूप शब्द, जो समुदाय रूप रामः शब्द बन गया, स समुदाय एव कस्यचिद् अर्थस्य वाचकः, वो समुदाय ही किसी अर्थ का वाचक होता है। ठीक है, अकेले अकेले वाचक नहीं होते हैं, वैयाकरणों के मत में शब्द वाचक होता है, एक एक अक्षर आदि अलग अलग वाचक नहीं होते हैं। अस्तु अद्वैता वदेव। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।